सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हमें किलर में आज हम जा रहे हैं सच पास से जाएंगे अपन आज बैरागढ़। चे हम सोच रहे हैं कि चंबा में करें, देखते हैं कि आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। होप करता हूँ कि आज जितना हो सके उतना जल्दी ज़्यादा कवर करें। जिस भैया से कल वाले व्लॉग में मिलवाया था मैंने, पंकज भी और ये सब अलवर वाले, आज वो लोग जा रहे हैं क्लिफ हैंगर। मैं पूरी लोड कर चुका हूँ, सारा कुछ लोडिंग है, लोडेड है, बस ऊपर की जैकेट पहननी है, हेलमेट पहनना है और निकलना है। आज एक है ना छोटा सा नुकसान हो गया यार, अभी मेरी पॉकेट से गिर गया था ये गोप्रो लेंस, ऊपर का टूट चुका है। इस राइड पे पता नहीं क्या मेरे साथ बहुत नुकसान हो रहा है, बट कोई नहीं, लेंस अलग से मिल जाता है तो अपन बाय कर लेंगे। अब मैं मिलवाता हूँ आपसे पंकज भी ऐसे, वो लोग क्लिफ हैंगर निकल रहे हैं और वो सच पास करके आए, तो उन्होंने बताया कि क्या सीन और क्या नहीं है। अक्की भी रेडी हो आज के एडवेंचर के लिए? यस, फाइनली फाइनली सच पास। भाई ये रे पंकज भैया, ये जूते से लग रहे। तो ये लोग निकल रहे हैं आज क्लिफ हैंगर, अपन लोग जा रहे हैं सच पास। तो होप करता हूँ आपका भी ट्रिप बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका भी ट्रिप अच्छा हो। बस थोड़ा केयरफुल रहना, रोड में कीचड़ स्लश वगैरह बहुत ज्यादा है। ये आपके लिए भी है, आपके लिए भी ये अपने पहले से हिंट मार। कल मैं एक चीज बताना और भूल गया था, आप ये नहीं समझे क्या 100 cc बाइक है बस। मेरी बाइक जो है वो 11 साल पुरानी है, आपको ताजुब होगा 11 साल पुरानी बाइक, तो भी मैं उसको लेके आ गया। तो बाइक बेटर नहीं करती, आपका जो हौसला है या आपका जुनून है वही बेटर करता है। एग्जैक्टली, बट लिटरली भैया आपके लिए हैट्स ऑफ, भैया आपके लिए ज्यादा वाला। बहुत पटकी गई आपने यार, होप करता हूँ आगे आपको कुछ भी ना हो। भैया ने अपने यहाँ का मंत्र बताया भाई, जो पहाड़ों का मंत्र है स्लो एंड स्टेडी। तो बस आप लोग भी करना चाहते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच समझ के फिर आपको गोप्रो पर। तो फाइनली अपन यहाँ से होटल छोड़ रहे हैं, ये किलर में होटल था, काफ़ी अच्छा है, चंद्रमान होम स्टे, इसके सामने ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा वगैरह, खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ भैया की बाइक पे देख लो, कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं है, एक ये स्टैंड लगवाया है, उसके ऊपर ये दो बैग बांधे हुए हैं। लिटरली भैया माननी पड़ेगी आपकी। तो चलो जी, ठीक है भैया, ओके भैया, टेक केयर, हैप्पी जर्नी। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से, जय बाबा की, मैर करना, जय माता की। भाई इधर थी ठंड, बाइक चलाने के बाद लगी ठंड, तो अभी ग्लव्स निकाले, ग्लव्स पहने, और आगे तो इससे भी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। ऊपर जो भैया आए थे साथ में, मतलब जो पीयूष भैया वो थे अलवर वाले, वो आए थे सच पास से, तो उन्होंने बोला ग्लेशियर्स वगैरह हैं ऊपर अच्छे, और वहाँ ज़्यादा ठंड लगेगी और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होगा, और ऑक्सीजन लेवल डाउन तो थोड़ा बहुत अभी भी स्टार्ट हो गया है। तो ये आता है भाई किलार से रास्ता नीचे की तरफ, जहाँ से हम आए हैं सीधा निकलता है किश्तवाड़ के लिए। अब अपने को यहाँ से चलना है लेफ्ट सच पास के लिए, चंबा यहाँ से 172, मतलब पूरा दिन, ओ माय गॉड। ठीक है करेंगे भाई, इस रोड से ना उधर सामने उस वाले रोड पे जाना है, दिख रहा है, और वहाँ ऊपर है सच पास। भाई बहुत ज़्यादा खौफनाक रोड है यार ये, तो सामने पहाड़ियाँ, रोड खराब, कोई भी नहीं। क्या लोकेशन है यार, मतलब अलग ही लेवल है भाई, बहुत पीक चढ़ाइयां आती हैं यार एकदम से, खास करके कर्व्स पे। करो, पीसफुल जगह है नो डाउट, बट एक बार आ गए ना दूसरी बार नहीं आओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अरे भाई प्रे
पास एक ऐसी जगह है जहाँ बंदा एक बार आ गया ना दोबारा कभी नहीं आएगा। ओ भाई बाइक की इधर जान निकल रही है बेचारी, चल ही नहीं पा रही है। तो फाइनली हमारी तब वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है भाई। ये ग्लेशियर देखो यार, वर्क इन प्रोग्रेस। भाई मानना पड़ेगा ये लोग इतना काम करते हैं हर जगह। जय माता दी, सीरियसली वेरी गुड जॉब यार। ओ भाई 6-7 जेसीबी एक साथ काम कर रही है यार। इतने फाड़ू रोड बने हुए ना, मतलब दिमाग खराब हो जाए आदमी का, करे तो करे क्या वो। ये मोफा जी पहला गियर भी रो रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वही वाला फील आ रहा है। भाई वहाँ सामने कौन रहता है, देखना झोपड़ी बनी हुई है, एक जाने आने का भी रास्ता नहीं है। वो देखो ग्लेशियर देख रहे हो, वो भी थोड़ा ना वैसा हो गया है, मतलब काला काला पुराना मिट्टी वाला। बाकी भाई झरना उसी में से ही आ रहा है। देखो अपने को वहां ऊपर भी जाना है अभी।
इस रोड पे ना उस जेसीबी के अलावा कोई दूसरा व्हीकल ही नहीं देखा मैंने। हम दो हैं बस जो चले जा रहे हैं। ओ बच गए, नहीं तो पड़ जाते। अभी बहुत मुश्किल हो रहा है इसको ऊपर चढ़ाना। चढ़ जाओ बेबी। यार अभी बाइक ना पीछे खिसक गई थी। भाई बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है यार। हे भगवान चढ़ाओ। Guys, it's not a hard, it's very hard. एक जगह तो ऐसी आई थी कि बस बाइक आगे नहीं पीछे जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से भाई कवर करी मैंने। चलो चलो, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हो गया है डाउन। बाइक को भी चाहिए होती है ऑक्सीजन। अपने को इतनी दिक्कत नहीं है जितनी बाइक को दिक्कत आ रही है। बाइक को ऑक्सीजन मस्ट है। फाइनली सच अभी यहाँ से है करीबन 20 किलोमीटर अराउंड, और अभी एक ब्रेक लिया अपन ने चाय के लिए। यहाँ तक आते आते ना 2 घंटे हो गए हमें चलते चलते, और 20 किलोमीटर पार नहीं हुआ भाई। क्लिफ हैंगर लिटरली कुछ भी नहीं है। क्लिफ हैंगर में क्या है, चढ़ाई स्टीव है, कह सकते हो डेडलिस्ट है, बट ये टफेस्ट है। सीरियसली बहुत टफेस्ट है ये वाला। मतलब कुछ चढ़ाइयाँ तो ऐसी आती है बाइक है ना बिल्कुल कह देती है बस अब नहीं। इससे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, अपनी है BS6 और भैया के BS4। एक तो अपनी पावर बिल्कुल नहीं ले रही, ऊपर से भैया की आधी टैंक है और मेरा जीरो हो गया। अभी अपन रुके हैं छोटे से रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ चाय वाय अपन पीने के लिए। ये देखो छोटे छोटे आप लोगों को चाय कॉफ़ी या नाश्ता करना हो तो आप यहाँ रुक सकते हो बंगतू पर। यहाँ चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ से अभी सच पास है करीबन 20 किलोमीटर भैया ने बता ही दिया, तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पेट्रोल खत्म हो गया भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। और इन्होंने बताया कि ये भाई फ्लैग पीछे नहीं लगाना है, आगे ही लगाना है। तो कोई भी अपनी बाइक पे गाड़ी पे फ्लैग लगाए तो प्लीज़ आगे ही लगाना। कपल एक हीरो स्प्लेंडर पर, नाइस। बट ये लोकल है, कुछ भी कहो भाई। राइड का जो मज़ा आ रहा है ना इधर वो एक नंबर है। ठंड भी बढ़ती जा रही है अब धीरे धीरे ऊपर, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। एक ग्लव्स मैंने उतारा हुआ है, एक ग्लव्स मैंने पहना हुआ है बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग चार्जिंग। भाई यहाँ आना सोच समझ के, जिसको भी आना है, मना किसी को नहीं कर रहा, डरा मैं किसी को नहीं रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट सोच समझ के। बहुत स्टीव है, बहुत चढ़ाइयाँ हैं, बहुत डेंजरस है सीरियसली। मतलब आप है ना, मतलब सोच नहीं सकते उस लेवल से भी ऊपर है ये। आई डोंट, मतलब मुझे ये, मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ भी करो इधर आके, वो आपका पर्सनल वो है लुकआउट। बट थोड़ा सेफ्टी से आओ, घर पर सबको समझा के पूछा के सबको, और बता के आना कि अपन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इधर आने के लिए। तो भाई सीरियसली घर पर बता के ही आना, मैं तो घर पर बता के आऊँ भाई। ये देखो ऐसे ना बीच में से ये रोड बंद हो जाता है पूरा, ये पूरा ग्लेशियर कवर कर लेता है, ये बीच में से रोड निकालते हैं ये लोग। यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि देखो, कुछ ऐसे हैं। ओ अभी नज़ारों के चक्कर में लग गए होते अपने भाई। क्या खड़ी चढ़ाइयाँ यार, जुलाई है और अभी भी यहाँ बर्फ है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।
ट्रैफिक लग गया, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है भाई। सो फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं सच पास। लिटरली भाई किलर से लेके और सच पास तक का रूट ही ज्यादा टफ है। मैं आपको एक चीज गाइड कर देता हूँ, जो किलर से लेके सच पास है इट्स वेरी टफेस्ट, एंड जो किश्तवाड़ टू किलर है वो डेडलिस्ट है, नो डाउट। ये दोनों रूट का मजा अपनी जगह अलग अलग है। अगर आप इस साइड आओ तो दोनों चीज ट्राई करना, ये नहीं कि आपने क्लिफ हैंगर किया तो भैया सच पास नहीं हो पाएगा, सच पास किया तो क्लिफ हैंगर नहीं कर रहे हो, दोनों करना तभी मजा आएगा। तो अभी अपन पहुंच चुके सच पास, ये अपने भाई मिले हनुमानगढ़। हेलो, हाँ जी, ये हनुमानगढ़ से अनुराग। बहुत मजा आया भाई साहब ने, हमारे मन की इच्छा पूरी कर दी है। पास है सच पास, इससे पहले सातवां है, इससे पहले मैं 6 पास क्रॉस कर चुका। तो भाई सुन लो समझ लो, एज इज डजंट मैटर, मार्क होता है जो होता है। अंकल के साथ लिटरली मिलके बहुत अच्छा लगा। इस एज में भी अंकल 65, कैन यू इमेजिन, अपन 25 साल में अपनी हवा निकल रही है यार, क्या है यार। अंकल से कुछ सीखो, अपन हिमालयन से कर रहे हैं 411 से अपनी हवा निकल रही है। अंकल को देखो, विक्रांत यहाँ पहुंच के लगा अपन ने किया है, छोटी सी टपरी बनी हुई है, 5 मिनट तो बैठे, एक चाय वाय मारेंगे, साथ में एक बेबी है वो मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगी, और उसके लिए मैं इसको व्लॉग में जरूर डालना चाहूंगा। ये मेरी फेवरेट है, जो मुझे सच पास नहीं मिली। अभी अपन सच पास से नीचे आज रुकेंगे शायद से बैरागढ़, और जिन अंकल से मैंने सच पास पे मिलवाया था उन अंकल ने यहाँ पे एक्चुअली लगाया टेंट। साथ में बना रहे हैं अपन ऑमलेट, मनोज भैया संदीप पाजी लगे हुए हैं ऑमलेट बनाने। हेलो जी, कैसा फील आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा नहीं है। इसके बाद राइस बनेंगे अपने। अच्छा, राइस भी बनाने वाले हैं जी। अरे वाह, बड़ंगा सारा बनूंगा। चल बढ़िया जी, बढ़िया फील आ रहा है। गजब गजब गजब, चलो आग लगा रखी आग। हाँ जी, चलो आग ही लगनी चाहिए बस। हाँ, आग लगा रखी। यहाँ पे ना जो ट्रैफिक लगाने वाली चीजें हैं वो ये हैं, 600-700 बेड़े एक साथ निकलती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। आज ना एक दुख के साथ एक सूचित करनी है एक चीज आपके साथ, अपन को बस इतना पता रहता है कहाँ घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज मैं आपको एक चीज ऐसी दिखाने वाला हूँ कि हाँ आपको लगेगा कि बहुत गलत हुआ। अलावन हत्याकांड, काफी लोग जानते भी होंगे इस चीज को, काफी लोग नहीं भी जानते, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। कालाबन हत्याकांड शहीद स्मारक स्थापन वर्ष मिलिट्री में उनके साथ बहुत हत्याकांड का मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, खुद से पढ़ लो। जो भी हुआ था, अब मैं आपको दिखाता हूँ जिनकी हत्या हुई थी वो भी जगह दिखा देता हूँ, और ये पूरी स्मारक उन्हीं लोगों की बनी हुई है पूरी कंप्लीट, 35 लोग 35। तो मैं अब आपको उनके नाम बता देता हूँ जो भी शहीद हुए थे हमारे साथी, ये उनकी पूरे नाम और साथ में गांव का नाम भी दिया गया है। 5 नाम यहाँ पर हैं और कुछ नाम यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ भी हैं नाम इनके। यहाँ पर 29 जनों के नाम हैं, बट जो हमारे शहीद हुए थे वो 35 जने थे, 5 लापता हैं। अब मैं आपको, यहाँ के एक लोकल ड्राइवर हैं उनको ज्यादा नॉलेज है, वही बताएंगे आप प्रॉपर क्या कांड हुआ था, कैसे हुआ था। वे अपना नाम बताएं। मनोज कुमार। क्या कांड हुआ था, कैसे हुआ था? ये आतंकवादी आ गए थे 1998 में। अच्छा, तो उनका तो पता ही नहीं चला, 35 लोगों को मार दिया था। तो ये कांड कहाँ हुआ था? इसी पॉइंट पे हुआ, इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पे यहाँ पे हुआ था। कुछ बंदे त्रुंडी में थे, 7 बंदे बाकी हुई। भाई जो कांड हुआ था वो यहीं हुआ था, जो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ। 6 बंदों के सर काट के ले गए थे आतंकवादी लोग, और 5 बंदों को जिंदा ले गए, 5 बंदों को जिंदा ले गए जो अभी तक लापता है। कुछ नहीं पता वो कहाँ है, कैसे है, भगवान उनकी रक्षा करे। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि आप टूरिस्ट जगह पर ना आए, आओ। ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए कि अपने देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज मैं भी सही, मुझे भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी, बट मैं यहाँ से निकल रहा था तब मुझे पता लगा। तो ये चीज आप प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करना, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, सच पास करो, ले करो, स्पीति करो, जो आपको करना है वो करो, बट स्टिल इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी अपन पहुंच चुके हैं आज चंबा। आज राइड करी है हमने सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, मतलब पूरे 12 घंटे भी अपन कर रहे हैं डाटा कॉप। आज की मैं बताता हूँ, आज का जो रूट था ना अल्टीमेट, सीरियसली मतलब दिमाग से हटके था, इतना सोचा नहीं था जितना वो निकला। सच पास कभी नहीं करूँगा, लास्ट था, हो गया, ड्रीम था, कर लिया भाई। क्या रोड, रोड का तो नाम ही नहीं है, रोड का तो नाम लेने का ही नहीं, रोड का नाम ही नहीं हो। बट सीरियसली बहुत हार्ड है, जिसको भी करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच समझ के करना,
बहुत हार्ड है, बहुत स्टीप चढ़ाई है, टफेस्ट है, बहुत डेडेस्ट है, टफेस्ट है सारा कुछ। आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई है ब्लॉग, उस पर नोटिस करना, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, पब्लिक को पता लगे कि हाँ हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ है, पुराने टाइम में आतंकवादियों ने क्या क्या किया है, सब कुछ पता रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ लद्दाख सचपास ये सब चीज़ देखा दैट्स ऑल हो गया, नहीं, आप अंदर इन्फॉर्मेशन देखना, समझो क्यों बताया है मैंने, किस रीज़न से बताया है, बहुत बुरा हुआ था उनका। आज व्लॉग अभी अपन कर रहे हैं व्लॉग एंड, अपने को करनी है पैकिंग, सारा सामान पड़ा है बिखरा हुआ। दूसरा कल निकलना है मैंने दिल्ली, चंबा टू दिल्ली, अराउंड 600 किलोमीटर तो लग जाएंगे, 10 11 12 घंटे भी लग सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सकेगा सुबह निकलेंगे। मिलते हैं फिर आपसे कल, होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एडवेंचरस लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ छोटे भाई को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके। ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।